Let's do question number 15th of exercise 6B, that is coordinate geometry. Question number 15th is, find the ratio in which the point P divides the join of A and B. हमें ये बताना है कि पॉइंट P कितने पे डिवाइड किया, किस रेशियो में डिवाइड किया है AB को, और हमें M की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, राइट? तो हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं. ये देखिए, ये हमारी लाइन है और ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है. ये P पॉइंट है हमारा और हमें ये बताना है ये किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, और हमारे को M की वैल्यू निकालनी. कौन से M की वैल्यू निकालनी है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. सबसे पहले माइनस फोर एंड थ्री है A का कोऑर्डिनेट, माइनस फोर एंड थ्री. B का कोऑर्डिनेट है हमारा टू एंड एट, टू एंड एट. और P का कोऑर्डिनेट है हमारा M एंड सिक्स, M एंड सिक्स, राइट? तो हमें इस M की वैल्यू निकालनी है. हम पहले इसे M मानते थे, इसकी नहीं, ये वाले M की वैल्यू कह रहा है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हमें इस M की वैल्यू निकालनी है और ये हमें पता है ये X प्लेस पे है और ये Y प्लेस पे है, राइट? तो हम X प्लेस वाला ही सॉल्व करेंगे. तो लेट द रेशियो जिसमें P ने ए बी को डिवाइड किया है, वो रेशियो है ये वाली रेशियो. ये जो रेशियो है वो ए इज टू बी की रेशियो में, एम इज टू एन इसलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि एम यहां दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट? तो एक्स का फॉर्मूला क्या नहीं होता था एक्स निकालने का? अब ये तो पता है, ये हमारा एक्स वन वाई वन है और ये हमारा एक्स टू और ये y2 है, राइट? अब देखिए x का फॉर्मूला क्या होता था, ये a is to b के रेशियो में, तो a x2 plus b x1 upon a plus b होता था. अगर हम इसको m is to n लेते थे तो यहां पे m और n आता था. अब हमने a और b लिया है तो अब हमारा a और b आएगा. तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. x की जगह m, देखिए x की जगह m इक्वल टू ए क्या हुआ, ए हमें पता नहीं है. एक्स टू क्या हुआ हमारा, एक्स टू हुआ हमारा टू प्लस एक्स वन हुआ हमारा माइनस फोर, बी माइनस फोर अपॉन ए प्लस बी. अब ये देखिए, इसमें अब तीन चीजें हैं जो नहीं पता है. तो हम एक्स के कोऑर्डिनेट से तो नहीं निकाल सकते, तो दैट मींस हमें वाई का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. तो हम ये नहीं लगाएंगे, अब हम वाई का कोऑर्डिनेट लगाएंगे, वाई का फॉर्मूला लगाएंगे. तो वाई का क्या फॉर्मूला है, दैट इज ए वाई टू प्लस बी वाई वन अपॉन ए प्लस बी. ये क्यों लगाएंगे? जिससे कि हमें ए और बी की वैल्यू पता चल सके, राइट? तो y कितना है हमारा, देखिए ये y है 6, तो हमने 6 इक्वल्स टू a नहीं पता, y2 पता है हमें 8 है, b नहीं पता और y1 हमें पता है 3 है, तो a प्लस बी. अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आ गया, 6 इंटू ए प्लस बी, बी अब आगे कितना आएगा, देखिए इक्वल टू 8a प्लस 3b equals to 8a plus 3b. तो ये कितना आ गया, 6a plus 6b equals to 8a plus 3b. अब a की values एक साइड और b की values एक साइड. तो देखिए 6a minus 8a, a की values लेफ्ट साइड ले आई और b की values में राइट हैंड साइड ले आई. तो ये बचा माइनस का 2a इक्वल्स टू माइनस का 3b. माइनस माइनस कैंसिल हो गए. अब देखिए a के नीचे b ले आते हैं और 3 के नीचे 2 ले आते हैं, तो a अपॉन b इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 हो गया. ये देखिए, ये इधर आ गया, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिविजन का हो जाएगा. इसी तरीके से 2 मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ, तो इधर आके डिविजन का हो जाएगा. तो ये कितना आ गया, a इज टू b कितनी आ गई रेशियो, 3 इज टू 2 आ गई. अब लेकिन हमें m की वैल्यू निकालनी थी. हमने पहले x का लिया था तो वो गलत हो गया था क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए थे और हमें एक की वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते.
अब हम x का लेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे. तो x वेरिएबल x लेंगे तो क्या x की फॉर्मूला क्या है हमारा, x का फॉर्मूला था हमारा a x2 प्लस b x1 अपॉन a प्लस b, राइट. अब हमें a और b की वैल्यू पता है. अब x तो हो गया हमारा m, देखिए x हो गया m, a और b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है हमारी 3, x2 कितना है हमारा, x2 हुआ हमारा 2 और x1 हुआ माइनस 4, तो x2 हुआ 2 प्लस b की वैल्यू है 2, x1 हुआ माइनस 4, राइट. अब अपॉन 3 प्लस 2, अब m इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया m माइनस 2 अपॉन 5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 अपॉन 5 इज द आंसर.